कल हम एक किताब है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान से, कल हम जो पढ़े थे माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बाधा जाना, आज हम पढ़ेंगे नल कुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार। उनके आंगन में जो दो ठो गाछ था वो नल और कुबर का श्रापित गाछ था, उसका कैसे उद्धार किया गया उसके बारे में आज हम जानना चाहते हैं। यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर नलकुबर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परम इच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन है। इसमें कहा जा रहा है कि जो नलकुबर को श्राप भी नारद जी दिए, और श्राप काहे दिए, श्राप देके उसका उद्धार भी कर दिए। तो हम लोग सोच सकते हैं जो जब उद्धार ही करना था तो श्राप काहे दिए, और श्राप जब दे दिए तो उद्धार काहे किए। जब किसी को हम दंड दिए तो फिर उसको हम पुरस्कार काहे दे रहे हैं, या पुरस्कार देना था तो दंड काहे दिए। तो इसमें यह है, जैसे आप देखिए कि समाज में कोई परिवार है ना, जो परिवार के बारे में आप जैसे आपके गांव में ही देखिएगा, कोई ऐसा परिवार है जिसका गार्जियन, उस परिवार के जो मालिक हैं, जो गार्जियन हैं, उनका बहुत अच्छा नेचर रहता है। वो क्या करते हैं ना, गांव में किसी को कोई बहुत ज़रूरी पड़ गया तो उसको मदद करते हैं, गरीब को मदद करते हैं। अब मान लीजिए कोई गरीब नहीं भी है, रात बिरात उसका तबीयत खराब हो गया, उसकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, बच्चा का तबीयत खराब हो गया, या उस परिवार के स्वामी का ही को लकवा मार दिया, या कुछ तबीयत खराब हो गया, तो देखिएगा कि जो वो दूसरा परिवार जो परिवार है वो इस तरह के काम में तुरंत मदद करने के लिए आ जाता है। रुपया पैसा से मदद कर देगा, या उसको ले जाके कहेगा कि चलो हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। अब मान लीजिए बहुत ठंडा है, जाड़ा का दिन है, रात में 2 बजे तबीयत खराब हो गया, तो उसको उठा पुठा के नहीं होता है तो खटिए में बांध के कंधा पर उठा के 4 आदमी को ले के जाके हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो जो परिवार इस तरह का मदद करता है समाज में, तो उसका उसके प्रति लोगों में श्रद्धा जग जाती है, हर आदमी में उसको लगता है कि नहीं, ये परिवार अच्छा है। तो मान लीजिए आपके गांव में कोई ऐसा परिवार है जो इस तरह का काम करता है, आप मान लीजिए मदद, आपकी बेटी की शादी है, आप मान लीजिए कहे कि हमको 1 लाख रुपया का मदद कीजिए, तो 1 लाख नहीं, 50 हज़ार का ही मदद कर दिया, एक या 20 हज़ार का ही मदद कर दिया, मदद तो कर दिया, तो आपका क्या होगा, उस आदमी के प्रति श्रद्धा जगेगी, आपका उस आदमी के को मन करेगा कि आदमी में देवता वाला गुण है, होता है ना। और उस आदमी का बच्चा अगर खराब निकल गया, कोई गलत संगत पकड़ लिया, तो उसके साथ क्या हो सकता है, 2 बात होगा, या जो खराब प्रकृति का व्यक्ति है जो कि उस परिवार से नफरत करता है, क्यों, क्योंकि वो परिवार सबको मदद करता है तो उस परिवार का जय जयकार लोग करता है, आम आदमी गांव का लोग सब उसके बारे में कहता है अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी। हम मान लीजिए खराब हैं तो उनका बड़ाई हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि उसका बड़ाई हो रहा है, काहे हो रहा है। तो जब उसका बच्चा जो है खराब संगत पकड़ लेगा तो हम क्या करेंगे, उसके बच्चा को और खराब में आगे बढ़ा देंगे, जो भले गड़बड़ा गया इसका। लेकिन इस गांव का जो अच्छा आदमी है वो चाहेगा कि इसका बच्चा खराब संगत पकड़ लिया तो नहीं, इसको रास्ता पर लाना है, इसको उसमें धकेलना नहीं है और इसको किसी तरह से रास्ता पर लाना है। तो आप उसको कह सकते हैं, ए लड़का तुम ऐसा कह करता है, तुम्हारे माँ पिताजी का कितना अच्छा नेचर है, तुम गलत काम कर रहा है, उसको डांट सकते हैं। और जब उसको डांट सकते हैं तब भी नहीं मारेगा तो हो सकता है 2 थप्पड़ आप मार भी दीजिए, अब मार दीजिए, उसके बाद उसको ले आइए पकड़ के, उसके माँ बाप के पास रख दीजिए, और उसके बाद बोलिए कि देखिए हम इसको मारे हैं क्योंकि ये गलत काम कर रहा है। और उस बच्चा को भी कह सकते हैं जो तुम चूँकि गलत काम कर रहा था तो हम तुमको मारे हैं तुम्हारे भलाई के लिए है, तो आप उसको मारे भी, आप उसको पुरस्कार भी दे रहे हैं जो तुम्हारा भलाई के लिए हम किए,
या आप उसको ये भी कह सकते हैं, छोटा बच्चा है, ये टॉफी लो लेकिन ये काम मत करो। मान लीजिए कोई बच्चा आग पकड़ने जा रहा है, छोटा बच्चा है, तो आप वो बराबर जा रहा है आग पकड़ने, तो उस बच्चा को आप क्या कीजिएगा, उसका दिमाग को डाइवर्ट कीजिएगा, उसको हाथ में कोई फल दे दीजिएगा, कोई खिलौना दे दीजिएगा, नहीं तुम इसके साथ खेलो, उधर मत जाओ, बच्चा उसमें भुला गया। या कभी कभी क्या होता है, बच्चा तब भी बदमाशी करता है तो लोग उसकी माएँ या कोई भी दो थप्पड़ मार देता है, वो बच्चा रोने लगा, उधर जाना छोड़ दिया, उसके बाद गोदी में उठा के लाया, यहाँ पर मिठाई दे दिया खाने, कोई खिलौना दे दिया, जो उधर मत जाए, तो उसको मारा भी और फिर पुरस्कार भी दिया। उसी तरह चूँकि कुबेर जो थे वो भगवान के भक्त थे, महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, कुबेर देवता थे और महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, तो महादेव क्या किए, उनको महादेव के भक्त थे, महादेव खुश होकर उनको बहुत धन संपत्ति दिए, धन संपत्ति तो बहुत दिए ही, साथ में क्या किए, देवता सबका जो खजाना का मालिक बना दिए, तो बहुत बड़ा आदमी हो गए कुबेर, लेकिन अच्छे आदमी थे कुबेर, किसी का बुरा नहीं करते थे, और नियम के अनुसार जिसको जो करना था, जो नियम समाज में बना हो उस के हिसाब से वो काम करते थे, तो देवता लोग खुश थे उससे। तो नारद जी देखे जब जा रहे थे, तो नारद जी देखे जो इसका बच्चा सब तो गलत संगत पकड़ लिया है, तो उसको उनके मन में आया, चूँकि इसके इसका माँ बाप अच्छा आदमी है, अगर उसका माँ बाप खराब रहता, राक्षस रहता, असुर रहता, तो नारद जी उसको कुछ नहीं करते, श्राप दे के चले जाते, लेकिन वो देखे कि नहीं, इसका माँ बाप संस्कारी है, अच्छा है, लेकिन ये बच्चा है सो अभी गड़बड़ा गया है, तो इस बच्चा को ठीक करने के लिए थोड़ा इसको दंड भी देंगे और उसके बाद ऐसा कुछ कर देंगे जो परमानेंटे ठीक हो जाएगा। तो नारद जी उसको दंड स्वरूप श्राप दे दिए, और श्राप जब दिए तो फिर उसको बता दिए, तुमको हम श्राप दिए हैं तो श्रापित अवस्था में तुम भगवान का खूब नाम लेना, तुमको तो कोई काम नहीं रहेगा, जैसे हम ही लोग को कोई तबीयत खराब हो जाता है, कोई ज्योतिष कहेगा अरे शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो क्या करना है, तो राहु का प्रभाव है तो दुर्गा जी का पूजा करो, शनि का प्रभाव है तो महादेव का हनुमान जी का पूजा करो, तो शनि जी खुश हो जाएंगे, तो उस समय पूजे न करवाए आप भगवाने का नाम न उसको दिलवाए, उस समय हम मुसीबत में रहते हैं तो भगवान भगवान करते हैं, भजन कीर्तन और तेज कर देते हैं और भगवान भगवान करते हैं कैसा ठीक हो जाए, भगवान भगवान कहे करते हैं, जो डॉक्टर से इलाज चल रहा है अगर आपका तकदीर खराब होगा ना तो कितना भी अच्छा डॉक्टर होगा उसका दवाई सूट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका आप पर भगवान का आशीर्वाद आ जाएगा, कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे दिए, कोई संत महात्मा को देखेगा क्या, उसके पास गए वो एगो ढेला मट्टी का ढेला उठाया और आपको दे दिया, जाओ माथा में लगा देना, उसके बाद देखिएगा आप ठीक हो गए, तो क्या हुआ, वो आदमी ढेला उठा के दिया, संत है, ढेला को उठा के दिया, उसके बाद आप जो दवाई खा रहे हैं या वो ढेला को माथा पर लगाने के बाद जो डॉक्टर के यहाँ आप गए, वो डॉक्टर जो मामूली भी दवाई दिया तो वो सूट कर जाता है। कभी कभी देखिएगा जो कोई आदमी एम्स से घूम के आया, कलकत्ता से इलाज करा के आया, कहाँ कहाँ से इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ और यहाँ आया हार थक गया, अब हमारा नहीं होगा, तब कोई आदमी कहा जो फलना गांव चले जाओ, वहाँ एगो आदमी है वो एगो जड़ी बूटी देगा ठीक हो जाए, वो गया वहाँ पर वो जड़ी बूटी उसको दिया ठीक हो गया, तो वही आशीर्वाद है, जो वो ढेला जो उठा के दिया संत महात्मा, जब भगवान जब भगवान का जब पूजा किए तो भगवान जब खुश हुए तो वही दवैया देखिएगा सूट कर गया, आज से पहले वही दवैया सूट नहीं कर रहा है, तो यही होता है आशीर्वाद। तो नारद जी बोले जो तुमको श्राप दिए तुम तो वृक्ष बन जाओगे, तुम जैसे नंगे खड़ा था तो वृक्ष भी नंगे खड़ा रहता है, कोई आता जाता है वृक्ष तो कोई कपड़ा पहनता है नहीं, उसका तना देखिएगा तो नंगते रहेगा, ऊपर में ना रहता है ये पत्ता सब, नीचे तो वैसे ही रहता है, तो उस श्रापित अवस्था में तो तुम्हारा तो कोई काम रहेगा नहीं, ना तुमको खाना पीना क्या है, तुम्हारा जो पृथ्वी से जो जल निकलेगा वही तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा बाल बच्चा या और कोनो काम तो रहेगा नहीं, तो उसमें तुम खाली भगवान का नाम लेना,
और जब भगवान का नाम लोगे तो भगवान कृष्ण तुमको दर्शन देंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण का दर्शन देना कितना बड़ा बात हो गया, जो इस सृष्टि के मालिक हैं उनका उसको दर्शन मिल गया तो उसका तो पूरा उद्धार हो गया। तो उसको मतलब वो चूँकि अच्छा परिवार से आदमी था तो उसको श्राप भी दिए, दंड भी दिए और साथ में फिर उसका ऐसा इलाज कर दिए परमानेंट जो वो जन्म जन्मांतर तक उसका उद्धार हो गया। यही कहानी इसमें है। तो नल कुबेर तथा मणिग्रीव दो नामक दो महान देवता, नल कुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। जो हम बोले ना जो महान देवता जो कि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे उनका दोनों ये पुत्र था कुबेर का। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारावार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा तथा कामनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। इसमें कहा गया है जो देखिएगा जैसे अभी हाल में निकला था जो बड़ा आदमी है ये शाहरुख खान, उसका बेटा ड्रग ले रहा था, पूरा पेपर में आया था ना, तो उसको कौन सी का कमी था आए ड्रग काहे लगा। वो ड्रग वो न लेता है जो जिसका माँ बाप अच्छा नहीं है, बाल बच्चा पर ध्यान नहीं दिया या गलत संगत में पड़ गया तो उसको कहेगा ड्रग दिया। तो इतना बड़ा बाप का बेटा था, पढ़ाई लिखाई का एक नंबर व्यवस्था किया होगा अपना बेटा के लिए, किया होगा कि नहीं, और ये भी चाह रहा होगा कि मेरा बेटा का गलत संगत नहीं हो, चाहिए रहा होगा। तब कोई थोड़े बाप चाहता है जो मेरा बेटा का गलत संगत हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए गलत संगत पकड़ा गया तो धन का तो कमी उसको था नहीं, तो सबसे महंगा चीज़ का वो सेवन करने लगा। जैसे कोई दारू पीता है तो चलो वो सस्ता हुआ, लेकिन ड्रग तो बहुत महंगा होता है, वो सेवन करने लगा चूँकि पैसा का कमी नहीं था। तो बहुत बार क्या होता है ना, सो बहुत धनी परिवार का बच्चा सबको इस तरह का लत लग जाता है, वही लत इसको लग गया। तो ये दोनों आदमी एक बार कैलाश गए, वहाँ पर मंदाकिनी जो ये है मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहाँ मदिरापान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में कई गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों के युक्त गंगा जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। तो वहाँ जाके वो लड़की सबके साथ स्नान उस्नान करने लगा, दारू भी पीने लगा। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नलकुबर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। युवतियाँ देवताओं जितनी मदोन्मत न थी और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों देव पुत्र इतने मदान थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की, अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं तो उन्हें कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें साप देकर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। तो उधर से देखें नारद जी जा रहे थे, ये लोग तो नशा में था, उसको होश नहीं था कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन लड़की सबको होश था तो वो लोग अपना वहाँ से भाग गई और ये उसी तरह था। तो नारद जी देखे कि इसको तो होश ही नहीं है जो हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पता नहीं है। तब नारद जी सोचे इसको दंड भी देंगे और इसका उद्धार भी कर देते हैं। चूँकि ऋषि उन पर दयालु थे, अब इसमें कहता है ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि उनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकें।
अतः उन्होंने श्राप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोन्मुख की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य कोई को धन तथा वैभव का लाभ होता है, इसमें नारद जी सोच रहे हैं जो ये मदिरा पान किए हुए है, तो इसको चूँकि उसके परिवार से वो ये थे जिसके परिवार इसके पिताजी भगवान के भक्त थे, और ये भी हम मान लीजिए बहुत पूजा पाठ करते थे, मेरा बेटा कितनों बुरेगा, तो ये उसको भी थोड़ा रहेगा असर आ जाता है जो पूजा उजा पाठ करने का। तो नारद जी इसको इसलिए सोच रहे थे कि इसका ये आदत को हमको छोड़ा देना है। तो उसे सामान्य रूप से तीन वस्तुओं की लत पर जाती है। वो कह रहे हैं नारद जी, जो आदमी रजोगुण में आ जाता है ना, जानते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो रजोगुण में जो आदमी आता है ना, वो इसी तरह का काम सब करने लगता है, खूब बदमाशी करेगा, कुछ इधर उधर करेगा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाता है कि वे कसाई घर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और यह सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसा देखा जाता है जिसको बहुत पैसा है ना, तो उसको मान लीजिए दाल चावल खा रहा है तो उसको टेस्ट नहीं बुझाता है, वो चाहेगा कि मीट मछली रोज़ खाएं या और भी तरह तरह का चीज़ खाना चाहता है, उस पैसा है तो पैसा ही करता है। उसी में ही कह रहे हैं जो बहुत आदमी लोग क्या करता है, कसाई घर खोल लेता है, मीट बेचने लगा, मीट खाने लगा, वहाँ क्या होता है, पशु की हत्या होती है, और वो आदमी इतना कठोर दिल का हो जाता है, जो हत्या करता है उसका दिल कठोर हो जाता है, उस पर कभी भी आप कुछ कहिएगा तो बात उतना ही बनेगा, वो अपना काम करेगा। उसी के बारे में दिया है, जब आदमी को बहुत पैसा हो जाता है तो वो कठोर प्रकृति का हो जाता है, उसमें दया धर ये सब कम नहीं रहता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा, और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इसमें ये कह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि उस आदमी को ये सोचना चाहिए जो ये शरीर जिसके लिए वो इतना गलत सलत काम कर रहा है, उस शरीर का आखिर अंत में क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी, उसको जला दिया जाएगा चाहे गाड़ दिया जाएगा, हर शरीर का तो यही ना होता है। तो हम बहुत गलत सलत काहे करेंगे, जब ऐसा थोड़े है जो हम इस तरह का काम करेंगे तो ज़िंदगी मेरा बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे या मरेंगे नहीं, तो चलो भाई कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, अंत में तो सबको मरना है। तो इस शरीर के लिए, इस शरीर के पीछे इतना भागने का क्या ज़रूरत है, इस शरीर को उतना ही ख्याल रखिए जो शरीर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और स्वस्थ रहे। इससे ज़्यादा बहुत आप कुछ करिएगा तो उससे क्या फ़ायदा है। मान लीजिए हमको अगर औकात नहीं है लेकिन दिखावा में आकर हम क्या करेंगे, शरीर पर लाद लिए इतना सोना गहना गहना बना के, मकान खूब बढ़िया बना लिए, बहुत अच्छा मोटर गाड़ी खरीद लिए, हमको औकात कम है लेकिन हम दिखावा करने के लिए तो खरीदेंगे तो क्या करेंगे, या तो बहुत मेहनत करेंगे तब पैसा आएगा, या तो गलत काम करेंगे तब पैसा आएगा, और नहीं तो कर्जा लेंगे तब पैसा आएगा। तो दिखावा के पीछे अगर जाइएगा तो उसका अंत में क्या होगा, बहुत मेहनत कर रहा है, कल आप बीमार पड़ जा सकते हैं, कर्जा लीजिएगा तो कर्जा चुकाना पड़ेगा, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, आखिर होगा क्या, तो हम मृत्यु हो जाए। तो भगवान अगर किसी को बहुत दिए हैं तो वो करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग आप लोग के आदमी के तरह का आदमी को इस तरह से ठलना ही कर रहा है। मान लीजिए आपका दियादे गोतिया में किसी को अच्छा नौकरी लग गया या अच्छा पैसा आ गया, वो कर रहा है, तो उसका दिखावा के दौर में हमको नहीं जाना चाहिए, उससे हमारी ही हानि होगी। थोड़ा देर के लिए संतुष्टि मिलेगा जो हम भी उससे कम नहीं हैं, लेकिन अगर मेरे लिए मेरा भाई है कलेक्टर है और हम हैं बैंक में, तो हम मान लीजिए उसके पास
4 लाख का गाड़ी है, हमारे पास 10 लाख का गाड़ी खरीद लिया हम कर्जा बर्जा जैसे लेके, तो क्या कोई देखने वाला हमको कहेगा जो मेरा भाई से ये ऊपर हो गया, कहेगा अरे ये तो बैंक में काम करता है 10 लाख का गाड़ी खरीदे हुए। लेकिन मेरा भाई अगर 2.5 लाख का गाड़ी खरीदा है तो उसका बेसी इज्जत होगा, कहेगा वो कलेक्टर साहब है, होगा ना। तो हमको बहुत दिखावा करने से समाज आपको बहुत इज्जत नहीं देता है, भले मुंह पर आपको बोल देगा अरे आप तो छोटे पद पर हैं 10 लाख का गाड़ी पर चढ़ते हैं, आपका भाई तो बड़का पद पर है तैयो छोटका गाड़ी पर चढ़ता है, ये कह के आपको फुला देगा वो अलग बात है, लेकिन फिर पीठ पीछे करेगा अरे कितनो तुम खर्चा कर लोगे छोटके रहोगे, वो तो बड़के रहेगा, कह देगा पीछे में यही कहेगा ऊपर में, और उसी का बड़ाई करेगा। देखिए ना वो कलेक्टर साहब हैं तो योग कितना सिंपल रहते हैं, साधारण रहते हैं हम लोग की तरह, आ ये फुटानी झाड़ता है कहेगा ना, तो इससे कुछ होने वाला है, खाली 2 गो प्रशंसा होगा वो भी मुँह पर, आ उसके बाद आपका तो नाशे हो रहा है। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि शरीर क्या है, शरीर का अगर चमड़ा हटा दीजिएगा तो इसमें 10 तरह का हमारे शरीर में कीड़ा है बैक्टीरिया है क्या क्या सब चीज़ है, यही सब चीज़ ना है। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। इसमें यही कहता है जो भौतिकवादी जो होता है, भौतिकवादी उसको कहते हैं जो भौतिक सामान प्राप्त करके खुश होता है, भौतिक सामान हमारे पास हुआ खेत खलिहान गाड़ी घोड़ा मकान यही सब है भौतिक जो प्राप्त करके खुश होता है। तो उस इसमें कहता है कि भौतिकवादी लोग इसी के पीछे अपना जीवन को लगाता है, लेकिन ये जीवन इसके पीछे अगर आप लगाते हैं तो अगला जन्म भी आपका अच्छा नहीं होगा, आप यही 84 लाख योनि में घूमते रहिएगा, आज यहाँ मरे कल वहाँ जन्मे यही करते रहिए, कभी कुत्ता में जन्म होगा कभी बिल्ली में जन्म होगा, तो हम ऐसा काम काहे नहीं करेंगे जो अगला जन्म नहीं हो, अगर हो भी तो अभी हम 1000 पति के परिवार में हैं तो अगला जन्म लखपति के परिवार में हो जाए या करोड़पति के परिवार में जन्म हो जाए, या मान लीजिए कोई आदमी देखिएगा कि जो कोई बहुत बड़ा मंदिर का पंडित है पुजारी है उसके यहाँ जन्म ले लिया, अब बुझिए वो मंदिर का पुजारी जो है उसको उसका बेटा नौकरी कहाँ करेगा, क्योंकि पूजे करने से उसको भगवान इतना दे रहे हैं उसको नौकरी करने क्या ज़रूरत है, हम लोग पढ़ लिख के और उसके बाद 9 घंटा जाके नौकरी करते हैं दौड़ के आते हैं फिर भोरे उठ के जा रहे हैं, और वो लोग आराम से भगवान का सेवा करता है आराम से रहता है, झूठो आप दौड़ के जाइए दौड़ के आइए और उसके बाद खूब पैसा कमा लिए और वही पुजारी के चरण पर माथा दे रहे हैं जो हमको जरा आप आशीर्वाद दे दीजिए मेरा कल्याण हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा है, इतना मेहनत किए आशीर्वाद लेने उन्हीं के पास जा रहे हैं, वो तो आपके पास आशीर्वाद लेने नहीं आ रहे हैं, तब वैसा परिवार में अगर जन्म हो गया तब ये अच्छा है ना, ये नौकरी चाकरी से तो अच्छा है। तो अगला जन्म सुधारने के लिए हमको ऐसा काम करना चाहिए जो उसको आध्यात्मिक काम कहा जाता है, भौतिक काम नहीं कहा जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष तथा नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे यह भी नहीं सोच पाते कि यह शरीर वास्तव में क्या है, वास्तव में उनका है भी कि नहीं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है, अतः मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है, दासों तथा स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक को के शरीर को विकसित किया। इसमें देता है जो इस शरीर से हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि अगला जन्म मेरा खराब हो जाए, तो इस हमको ये मानना चाहिए, बहुत आदमी सोचता है इस शरीर मेरा है हम जो चाहेंगे सो करेंगे, अगर वो ध्यान से सोचे तो उसको पता चलेगा इस शरीर आपका है, इस शरीर आपके पिताजी का दिया हुआ है,
आपके माता जी का दिया हुआ है, या इस शरीर का मालिक कौन है? इस शरीर का मालिक तो अंतिम तो भगवान है ही है, वो तो आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। लेकिन भौतिक ज्ञान में लोग पूछता है कि हम अपने शरीर का मालिक हैं, अब हम ही जैसे नौकरी करते हैं, हम समझते हैं हम अपना शरीर का मालिक है, क्या हम हैं? क्योंकि 9 बजे हम जाते हैं नौकरी करने के लिए, रात में 8 बजे आते हैं, तो 9 बजे सुबह से 8 बजे तक हम अपने शरीर का मालिक हुए? नहीं हुए। हम जहाँ काम करते हैं उसका जो जिसके अंदर में हम काम करते हैं, जो मेरा मालिक है, वो मालिक जो चाहता हमारे शरीर से काम लेता है, हमारे शरीर को कहेगा तुम ये करो तो हम वो करेंगे। 9 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक वो कहेगा बोरा उठा के यहाँ से वहाँ कर दो, वो कहेगा कंप्यूटर चला दो, वो कहेगा ये कागज़ पत्र हमको लिख के दो, तो हम अपने मन से काम कर रहे हैं? हमको मन कर रहा है सोने का, वो कहेगा अरे यहाँ तुम सोया हुआ का है, ये काम करो। तो आप अपने शरीर का मालिक हुए? नहीं हुए, नहीं ना हुए। सुबह 9 बजे से 8 बजे रात तक ये जो है क्या कहते हैं 10-11 घंटा आपका तो मालिक दूसरा है, दूसरा कोई है, आप मालिक तो नहीं है। उसके बाद घर आते हैं तो आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, उसका जो ज़रूरत है सामान है उसको पूरा करने में आप लग जाते हैं, तो उस समय आपका मालिक कौन हुआ? आपका बच्चा, आपका पत्नी। क्योंकि आपकी पत्नी बोलेगी घर में ये नहीं है वो नहीं है, बच्चा का तबीयत खराब हो गया उसको, या पत्नी बीमार है तो उसका सेवा करने के लिए आप लग गए, बच्चा का आवश्यकता को पूरा करने में लग गए, तब फिर भी वहाँ भी तो आप अपने शरीर का मालिक नहीं है, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। फिर आप सो गए, सो के भोरे उठे, फिर अपना काम है, तो आप अपने शरीर का मालिक कब होइएगा? तब तो गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं कि मेरा हम मालिक हैं, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं? आप कभी कभी देखिएगा कि पति बहुत व्यस्त है तो पत्नी प्यार से कहती है जो इतना काम काहे करते हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, तो वो कहेगा कि जो नहीं हमको तो मालिक बोला है रविवार को भी आना है, नौकरी करना है। तो आप कहिएगा क्या जो अरे दो पैसा कम में लीजिए लेकिन आराम कर लीजिए, लेकिन आपको हो रहा है कि बच्चा का एडमिशन कराना है, बेटी का शादी करना है, घर बनाना है, हम कमाएंगे नहीं तो कैसे होगा? कल यही पत्नी बोल रही है आराम करने, कल यही पत्नी बोलेगी कि जो वो घर अपना हो जाता तो अच्छा होता, या बच्चा को सो बढ़िया स्कूल में एडमिशन काहे नहीं करा रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पत्नी तो कभी ये बोलेगी कभी वो बोलेगी, लेकिन हमको तो इसे करना है ना। तब वो आप बोल रहे हैं उसको जो आराम कर लीजिए, वो कहेगा कि नहीं हम काम करेंगे, जाएंगे काम करने के लिए। तब सोचिए आप अपने मन से आराम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने शरीर के मालिक हुए? तो जब आप अपने शरीर के मालिक नहीं हुए तो इस शरीर के पीछे इतना हाय तोबा क्या मचाना है? इतना ही करेंगे जो हमको दुठो रोटी मिल जाए और एक अच्छा से मेरा परिवार चले भी, और चार गो कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार कर सकें। बहुत ज़्यादा इस शरीर के लिए हम करके क्या फ़ायदा? और जो चार गो समय मिलेगा एक घंटा का डेढ़ घंटा का तो भगवान में लगेंगे, तो भगवान हमको सब चीज़ पूरा करेंगे। लेकिन हम दौड़ दौड़ के भौतिकवादी क्या करता है, भगवान के पीछे नहीं रहता है, वो पूछता है कि जितना मेहनत करेंगे ना उतना कमाएंगे। तो क्या होता है, खूब मेहनत करके खूब कमा लेता है, उसका पता चला कि पत्नी को अपेंडिक्स का बीमारी है, उसको ऑपरेशन कराना है, अब पैसा इधर से आया उधर गया, तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा भगवान को रोज़ हम क्या नहीं कहेंगे, भगवान हमारे परिवार को ठीक रखिए, तो भगवान क्या करेंगे आपके परिवार को ऐसा ऐसा बीमारी नहीं देंगे जिसमें बहुत खर्चा है, छोटा छोटा बीमारी दे के पार उतार देंगे, ऐसा होता है। तो जो कमाए हैं सो गंवा नहीं रहे हैं, बच रहा है पैसा। बच्चा सबको भगवान क्या करेंगे, अच्छा प्रकृति का बनाएंगे जो गलत संगत में नहीं जाएगा, तो अभी आपका पैसा बच गया। बहुत बच्चा है, जैसे ये लोग बच्चा है यहाँ पर जो रहता है वॉइस में, ये सब कितना सस्ता में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, यही बच्चा बाहर रहेगा या बंगलोर में जाएगा तो साल में 2 लाख रुपया लगेगा, इसके पिताजी को 2-2.5 लाख रुपया खर्चा लगेगा साल में, खाने पीने का, रहना का, उसके बाद रेंट भाड़ा, उसके बाद उसका फीस बेसी है, वो भी क्या निकलेगा, इंजीनियर ही निकलेगा, ये भी क्या निकल रहा है, इंजीनियर ही निकल रहा है, वो भी क्या करेगा, वही इन्फोसिस में नौकरी करेगा, टेक महिंद्रा में करेगा नौकरी, तो इसी तरह नौकरी करेगा, और जो ये लोग भी कम में पैसा में वही नौकरी प्राप्त कर रहा है। तो अगर आप पर भगवान सहाय हैं तो आपका बच्चा सबको भी आपको भी इस तरह से रखेंगे जो बहुत खर्चा नहीं होगा,
तो हमको भगवान को पकड़ना है, ना कि अपने पर गुमान करना है जब हम खूब कमा लेंगे तो अपना बच्चा को ऐसे पाल लेंगे वैसे पाल लेंगे। अरे वैसे वैसे इतना खर्चा करके पालबो किए तो मान लीजिए ये 40,000 रुपया फीस दे के वही 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपया पर महीना का नौकरी प्राप्त किया आ वो 2,00,000 कमा देकर भी वही 1,00,000 का नौकरी प्राप्त किया, क्या फ़ायदा है 2,00,000 पढ़ने से? हैं नहीं ना कुछ फ़ायदा है। इसीलिए हमको अपने भौतिक शरीर पर भौतिकता पर गर्व नहीं करना चाहिए, हमको भगवान को पकड़ना चाहिए, तब साथ साथ मेहनत भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भगवान कहते हैं मेहनत नहीं करो, मेहनत कीजिए लेकिन भगवान को पकड़ते रहिए तो भगवान आपको धीरे धीरे रास्ता पर ला देंगे। जिसकी सुबह सेवा करता है दासों का स्वामी दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उसको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह शरीर उस वो तो हो ही गया, यही बात हम बता रहे थे जो उसका स्वामी उसके शरीर का यूज कर रहा है और वो समझ रहा है कि हम अपना शरीर का मालिक है। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है किंतु वह यह विचार नहीं करता कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता का अथवा नाना नानी नाना का है। कभी कभी यह पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिससे वह पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। तो इसमें यही कहा जा रहा है जो मूर्ख व्यक्ति जो होता है सो उसको इतना ध्यान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या करेगा पशु का वध करेगा, ये उस तरह से अपना जीवन यापन करता है। वो आत्मा और शरीर में अंतर नहीं समझता है, उस बुझता है कि यही शरीर है ना यही मेरा आत्मा है। लेकिन शरीर और आत्मा में अंतर समझना चाहिए। आत्मा जो है वो कभी खराब काम करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करता है, शरीर करेगा क्योंकि शरीर जो है ना जीव का गुलाम होता है और मन का गुलाम होता है। अच्छा चीज़ खाने के लिए जी करते रहता है और मन करता है कि अच्छा सुविधा में रहें तो इसके पीछे लोग भागता है। लेकिन आत्मा जो है वो ऐसा नहीं करेगा, आत्मा आपको सात्विक बनाता है। तो वही इसमें कहता है कि अगर आत्मा और शरीर में अंतर आप नहीं समझते हैं तो आप सबसे बड़ा मूर्ख हो जाते हैं। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वह शरीर अग्नि का हो जाता है क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जल का क्षार हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ तो अब ऐसा नहीं होता है लेकिन पहले क्या होता था, आदमी को लोग बेचता था। अब जैसे हम बहुत पैसा वाला हैं, हमको एगो नौकर चाहिए काम करने के लिए, तो हम बाज़ार में गए, अब बाज़ार में आदमी बिकता है बिकता था, हम इतना रुपया हम खरीद के उसको ले आए अपने घर में, उसको हम कपड़ा लत्ता देते हैं खाने के लिए देते हैं उसे काम कराते हैं। तो पहले ऐसा होता था तो आपका शरीर बिक गया, अब आपका शरीर पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो जहाँ कहेगा सोने वहीं सोइएगा, जितने घंटा कहेगा उतने घंटा सोइएगा, जो काम कहेगा करने वो कीजिएगा, आपका तो शरीर बिक गया। अब भी शरीर बिकता है तो दूसरे ढंग से, जैसे कोई मजदूर हम सुबह में उठ के 7 बजे जाते हैं बाजार, अब बाजार में हमको मान लीजिए खेत में कुरबाना है, कुदाली से कुरबाना है, तो हम उसको पकड़ के लाते हैं, चलो भाई 400 रुपया देंगे और वो हमको ये तो कोर देना है, तो वो कहेगा क्या जो आज हम मतलब 6 घंटा हम काम करेंगे और 600 रुपया या 400 रुपया मेहनत आना लेंगे और वो काम करेंगे। तो वो क्या हुआ, 24 घंटा के लिए अपने शरीर को नहीं बेचा, 6 घंटा के लिए आपको अपना शरीर को बेच दिया। वो 6 घंटा में वो अपने शरीर से आपका खेत कोड़ देगा, तो उसका शरीर का स्वामित्व जो है 6 घंटा के लिए आपके पास आ गया। 6 घंटा के बाद फिर वो अपने शरीर का मालिक हो जाएगा, जहाँ जाएगा नहीं जाएगा, वही इसमें कह रहा है।
और फिर इसी तरह होते होते मनुष्य का जिंदगी बीत जाता है, एक दिन मर जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो इस शरीर से हमको उतना बहुत ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, हमको इस शरीर का इस्तेमाल भगवत भजन में करना चाहिए। और ये सब सुख सुविधा फलना चिलना ईगो अहंकार जो होता है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी को मारना पीटना, किसी का ईर्ष्या करना, द्वेष करना, इस सब में शरीर को नहीं लगाना है। इस सब में लगाइएगा शरीर तो आपका भी शरीर मृत्यु होगा, कल जल जाएगा। आ झूठो आप पाप भी कर दिए, आ इस तरह का काम कीजिएगा तो आपकी आत्मा जो है अगले जन्म में खराब जगह पर जाएगी, खराब योनि में जाएगा या खराब परिवार में जन्म लेगा। तो आप अपने आत्मा से प्यार रखिए, जो हम इस शरीर से ऐसा काम करें जो मेरा आत्मा अगला जन्म में इससे अच्छा पोजीशन में रहे। इसीलिए शरीर से कभी खराब काम नहीं कराना चाहिए। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंततोगत्ता यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को मूल भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा सत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो, शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे। अब देखिए इसमें यही हम जो बोले ना, वही इसमें कह रहा है। जो अंत तो गत्वा जो है, मनुष्य को ये सोचना चाहिए जो इस शरीर से हम पाप कर्म क्यों करें, ये शरीर से हम इस शरीर से हमको पाप करने से क्या फायदा है। इस शरीर प्रकृति से बना हुआ, प्रकृति मतलब हुआ पांच तत्व जो है, अग्नि जल वायु आकाश जो है, उसी के मेल से ही शरीर बनता है। और मरते भी हम हैं तो उसी में मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो हमको ये सोचना चाहिए कि इस शरीर जो है प्रकृति भौतिक प्रकृति से बना है, भौतिक में मिल जाएगा। तो इस शरीर से हम ऐसा काम कहा नहीं करें जो हमारे आत्मा का पोषण हो, हमारा आत्मा भगवान से जुड़ने का कोशिश करें। तो वो कैसे जुड़ेगा, तो हम अगर वही पूजा पाठ या भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत चर्चा में लगे हुए हैं, तो भगवान का इससे शरीर हमारा आत्मा को पोषण मिलता है और भगवान के तरफ जाने का सो रास्ता खुलता है हमारे आत्मा को। ये करना चाहिए, ये नहीं कि आज हम वो न्यूज में देख रहे थे जो वहाँ पर बिहार में क्या किया, एक दुगो आदमी था, एगो महतो जी एगो सहनी जी, दोनों का लड़ाई चल रहा था और कोई ज़मीन का लड़ाई था बहुत दिन से। वो क्या किया, सहनी जी बड़का दबंग था, पैसा वाला था, वो गया बगल में महतो जी का तीनों बेटा को पकड़ के लाया, उसको खूब मारते मारते मार दिया। कोई बात से हुआ होगा, अब ज़मीन के झगड़ा से मार दिया क्योंकि दबंग था। अरे आप तो मार तो दिए, अब आपको कानून छोड़ेगा। अगर मर गया ठीक है, उसका बेटा मर गया उसको दुख हुआ, लेकिन आप भी तो अब जेल जाइएगा। तो गुस्सा में अपना दिखाने के चक्कर में, जब बहुत शक्तिशाली हैं, उसको मार दिए और उसके बाद पेपर में सब कुछ आ गया, नाम तक लिखा गया जब फलना बाबू ऐसा किया, तो कानून आपको छोड़ देगा। तो इस झूठा अहंकार से क्या फ़ायदा। तो इस शरीर से हमको अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, इस शरीर से हमको हरदम सात्विक संत भावना के तरह जीवन जीना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा प्रमदा तथा पशुबध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्रायः अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह सरलता से समझता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचाता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नलकुबर तथा मणि ग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। तो इसी में कहता है जो मनुष्य को
अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए दूसरे को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। हम बहुत बड़ा हैं, हम ये खाते हैं, हम ऐसे रहते हैं, हम वैसे रहते हैं, हम ऐसा मकान में रहते हैं, ई करके दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। उसमें यही कह रहे हैं भगवान, जो इससे अच्छा तो गरीब आदमी होता है। जो गरीब आदमी क्या करता है, उसके पास तो पैसा नहीं है तो गरीब आदमी क्या करेगा, बहुत तेल मसाला वाला खाना नहीं खाएगा और किसी का दिल नहीं दुखाएगा, क्योंकि वो अपने गरीब है, दूसरे को क्या दिखाएगा। उसके बाद दूसरा, चूँकि वो गरीब है तो दूसरा आदमी सब उसको सताते रहता है, तो दुख क्या होता है वो समझता है, क्योंकि दुख उसको मिलता है दूसरे से, चूँकि गरीब है, गरीब को सब सताता है, तो वो आदमी दूसरे को जल्दी दुख नहीं देगा, वो बूझता है दुख क्या होता है। और उसके पास पैसा नहीं है तो घमंड भी नहीं है, वो हरदम विनम्र अवस्था में रहता है। चार गो बात कोई कह दिया तो सह लिया, और क्या कहते हैं, खाना भी क्या करता है, एकदम सिंपल खाता है तो उसको बीमारियों नहीं होता है। बहुत तेल मसाला खाएगा तब ना बीमारी होगा, मीट मछली रोज़ खाएगा तब ना बीमारी होगा। देखिएगा, जिसको बहुत पैसा है ना, वो खूब मीट खाएगा और आराम बेसी करेगा, उसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसी को चीनी का बीमारी हो जाता है, उसी को 75 को अब एक को जाएगा हार्ट का ऑपरेशन कराने तो मिनिमम 2.5 लाख रुपया फीस है कम से कम, आ प्लस और सब खर्चा मिला के 6-7 लाख रुपया गया आपका, क्योंकि आप क्या किए, खाने में भी पैसा खर्चा किए, आराम भी किए। देखिए, आप खाने में पैसा खर्चा किए, उसके बाद देखो पान खाने या सिगरेट पीने भी जाते हैं, तो यहाँ से वहाँ जाना है तो आप पैदल नहीं जाइएगा, मोटरसाइकिल से जाइएगा, तो आप खाने में खर्चा किए, इधर उधर जाने में भी खर्चा किए, पेट्रोल में सिगरेट भी दे रहे हैं, दारूओं घींच देते हैं, तो आपका खाली खर्चा कर करके प्राप्त क्या हुआ, तो बीमारी प्राप्त हुआ। अब वो बीमारी को ठीक करने के लिए फिर खर्चा आप कर रहे हैं ना, सब तरह से आपका खर्चा हो रहा है, लेकिन आप पूछते हैं हम बड़का हैं, अरे बीमारी हुआ तो क्या हुआ, 5-8 लाख रुपया दे के ऑपरेशन करा लिए, तो ऑपरेशन करा लिए तो क्या जो मन में आएगा सो फिर खाइएगा। हम ऐसा ऐसा आदमी को देखे हैं जो हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी करा लिया और 6-7 साल के बाद फिर उसके हार्ट में प्रॉब्लम होने लगा, 7 साल के बाद, उसके बाद फिर गया वही एम्स में, अब वही डॉक्टर खोज रहा है कि क्या करेगा। तो हम बोले ऐसा काहे हुआ, तो हम डॉक्टर से पूछे तो कहा कि देखिए, हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं तो इन लोग को बताते हैं जो अपना जीवन शैली कैसे जीना चाहिए, तो इन लोग को तो जी पर कंट्रोल रहता ही नहीं है, ऑपरेशन हुआ उसके बाद इसको ठीक बुझाने लगता है, सब चीज़ मेरा ठीक है, कुछ दिन तो नया नया चलेगा खूब, देने लगता है एकदम करकरऊ वाल, उसके बाद मीट दे रहा है कौन, तो खस्सी वाला मीट, अति क्या कहते हैं, मुर्गा अच्छा नहीं लगता है, खस्सी का मीट लगता है जिसमें तेल भी हो चर्बी भी हो, उसके बाद दारू दे देता है, उसके बाद दही खा रहा है, दूध खा रहा है, मक्खन खा रहा है, हम बोले थे 2 घंटा रोज टहलने के लिए तो टहलता भी नहीं है, धीरे धीरे फिर उसका गड़बड़ी शुरू हो जाता है, फिर आएगा फिर 10 लाख रुपया 7 साल का लगेगा, क्या फायदा है। थोड़ा सा अगर जी को कंट्रोल कीजिए कितना स्वस्थ रहिएगा आप, दुख भगवान पैसा देंगे उसी में आपका जीवन कट जाएगा, ना ऐसा बीमारी होगा, ना अहंकार होगा, ना किसी से लड़ाई होगा, चार गो बात आप बर्दाश्त, अरे बर्दाश्त तो करना, जीवन में लोग को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, सहना सीखना चाहिए। आप अगर समझते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कितना दिन तक आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। मान लीजिए आप बहुत पैसा वाला हैं और लंट हैं, लठैती है आपके पास, बंदूक है, पिस्तौल है, चार गो को धौंस जमाते हैं, तो किस पर, अगल बगल पड़ोसी पर कर सकते हैं, और कहीं आपका बेटा आपके अगेंस्ट में हो गया तब उसको गोली मार दीजिएगा, वही बेटवा आपको चार को बात कह के जाएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर लीजिएगा, मुड़ी झुका लीजिएगा जो बेटा हमको ऐसे कहा, जैसे दुर्योधन कहता था धृतराष्ट्र मुड़ी से झुका लेता था ना, एक बार धृतराष्ट्र ऑर्डर देता दुर्योधन को बंद कर दो जेल में बदमाशी करता है, तुरंत उसको बंद कर दिया था, जो दुर्योधन कितनों छटपट आता खत्म, लेकिन बेटा कह रहा। तो आपको घुमा फिरा के तो बर्दाश्त करना ही है, भले दूसरे पर आप चला रहे हैं अपने पर चलाइएगा, आपकी पत्नी अगर बदमाश हो गई भाग गई किसी के साथ क्या कर लीजिएगा, बेसी गोली मार दीजिएगा, तैयो चार गो आदमी जो बोलेगा जे एकर पत्नी तो भाग गई तो बर्दाश्त नहीं कीजिएगा कि सबको गोली मारते रहिएगा। तो जब बर्दाश्त करने का शक्ति, बर्दाश्त तो भगवान आपसे करवाइए लगा जीवन में, तो हम शुरू से बर्दाश्त करने का शक्ति काहे नहीं रखें,
छोटा बात पर हम काहे लड़ेंगे, बोल दिया हटाओ, भगवान भगवान जो बोल दिया भगवान देखेंगे। हमको गाली दिया, कोई आपको कहेगा है फलना तो आपको गाली दे रहा है, तो आप अगर जाइएगा लड़ने के लिए, अब मान लीजिए वो गाली नहीं दिया और झूठे बोल दिया तो जाकर लड़ लीजिएगा बिना मतलब का, वो बोलेगा हम तो नहीं गाली दिए, तब पता लगाइएगा तो वो कहेगा कि हंसते हुए हाँ हम तो ऐसे ही बोल दिए आपको गाली दे दिया, तब तक तो जाकर झगड़ा कर लिए हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहेगा कि अरे तुमको तो ये गाली दे रहा है, तो आप कहिएगा कि छोड़ो ना गाली दे रहा है, देने दो भगवान उसको देख लेंगे, उसको दंड भगवान देंगे और अपना भगवान में आप लग गए, तो लड़ाई नहीं ना कीजिएगा। और नहीं बात बात पर लड़ने जाइएगा तो आपको ऐसा ही सब लड़ाते रहेगा, पति पत्नी में भी लड़ा देगा, ए आपकी पत्नी तो ऐसे बोल रही थी, बस वो ताल ठोक रहा है दुल्हा, और दुल्हा को बोल देगा, पत्नी को बोल देगा अरे तुम्हारे बारे में तो तुम्हारा हस्बैंड ऐसे बोला है कि आप लड़ने लगिएगा। अब क्या बोला नहीं बोला बिना सोचे समझे झड़ आप लड़ गए, तो बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। तो इसमें यही कह रहा है झूठा प्रतिष्ठा में आपको ईश्वर विहीन अवस्था में नहीं होना चाहिए। जा तन लागे सोई तन जाने, एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। समान रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई ना कोई दातव्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सकें। संक्षेप में यह दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। इसमें कहता है जो बहुत बहुत धनी आदमी जो होता है ना, कभी कभी देखिएगा कहेगा कि फलना बाबू बहुत धनी है लेकिन बहुत कंजूस है, किसी को मदद नहीं करता है, किसी को मदद नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी देखिएगा जो बहुत गरीब आदमी होता है ना, वो जब धनी बनता है तो उसके दिल में अलग भावना रहता है। वो सोचता है कि जो हम जैसे गरीब थे तो हम इतना धनी बन गए, तो हमको भी कुछ ऐसा समाज में करना चाहिए जो और गरीब का भला हो। वो क्या करेगा, स्कूल खोल देगा, कॉलेज खोल देगा, या उसके लिए ज़मीन दे देगा, लोग का भला हो, या कुछ ऐसा ऐसा काम करेगा जो गरीब आदमी सबका भला होते रहेगा। और वो गलत ढंग से अपना जीवन नहीं जीता है, वो ये सोचता है भगवान जो दे रहे हैं उसी में हम संतुष्ट हैं, और चार गो आदमी को सोचता है फायदा कर देते हैं। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। कहता है गरीब अगर कोई है और आप गरीब होकर अगर चोरी चमारी नहीं करते, बहुत गरीब गलत काम करने लगता है, तो कहता है कि अगर आप ढंग से रहते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा तपस्या है जो आप अपने पर बहुत कंट्रोल रख के गरीबी का जिंदगी जी रहे हैं। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते थे। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खा खा कर जरूरत से ज़्यादा मोटा नहीं बन सकता है, और आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रियाँ अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बना रहता। अब इसमें कहता है जो गरीब आदमी रहता है ना वो अनुशासित जीवन जीता है, वो क्या करता है बहुत खाना नहीं खा लेगा, खूब उसको उतना नहीं है खाएगा नहीं, तो उसका शरीर भी ठीक रहता है, इंद्रिय भी ठीक रहता है, और वो अच्छा से जीवन जीता है। यही कारण है कि पहले ज़माना में ब्राह्मण लोग सब जो होता था अक्सर गरीब होता था। ब्राह्मण लोग जो विद्वान होते थे उनके वो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ कराते थे, ये कराते थे, उनसे जो मिलता था उतना ही में रहते थे, उतना ही में अपना जीवन निर्वाह करते थे। जान के ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे, जो हम पैसा बेसी कमाएंगे तो हम में खराब खराब आदत आ जाएगा। तो हम गरीबे बन के रहेंगे तो हमको चार गो आदमी कोई बात बोलेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। पैसा रहता है तब ना ताव रहता है लड़ने का, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट रहता है तो आपको ताव रहेगा। जैसे आप कहीं से जा रहे हैं तो आपको कोई
दिखा दिया लाठी, मारेंगे तुमको, आपके पास लाठी हुआ तो आप भी लाठी लेके मारिएगा, और नहीं रहिएगा तो आप सोचिएगा अरे तोरी इसके पास लाठी है तो सोचिएगा कि उसका हाथ उठ जोड़ के कैसा हो निकल जाएंगे, मारपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो मारेगा लाठी से तो हमारा नुकसान होगा, तो इससे अच्छा है जो हमको दो को गाली दे दे हम अपना चल जाएंगे, तो लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन आपके पास अगर ताकत है तो भीड़ जाइएगा, भीड़ जाइएगा तो आप ठीक है, आप जीत भी जाइएगा लेकिन नुकसान तो आपका भी होगा। इसीलिए पहले का ब्राह्मण सब जो होता था, ब्राह्मण विचार का आदमी जो भगवान का सेवा करता था वो जान के धनी नहीं बनता था। जैसे प्रभु जी हैं, प्रभु जी चाहेंगे तो बहुत आदमी लाखों लाख रुपया इनको दे सकता है, लेकिन नहीं चाहते हैं, हमको नहीं चाहिए, हमको एकदम कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेते हैं, अपने घर कुछ नहीं ले जाते हैं, जो भी इनको मिलता है वॉइस चलाने में अपना खर्च होता है, उससे पैसा कमाने का तो इनका भाव नहीं ना है जो हम लखपति करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा भाव तो नहीं है। भगवान का सेवा है, उसमें दो पैसा आता है तो यही बच्चा सब में जाता है या भक्त सब में जाता है, तो ये डिसिप्लिन है अपना भगवान का सेवा में। जब ये दो पैसा कमाने के चक्कर में हो जाएंगे तब इनका सब चीज़ कुछ दिन तो चलेगा, आशीर्वाद दे रहे हैं करें, लेकिन कुछ दिन के बाद सब गड़बड़ा जाएगा। गरीब का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफ़ी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ। अब इसमें कहता है जो एक साधु पुरुष जो होता है ना, वो गरीबे आदमी यहाँ जाना चाहता है, क्योंकि बहुत धनी आदमी यहाँ जाएगा तो सबसे पहले तो देखेगा बड़का को गेट है, और गेट पर ठक ठकाएगा तो एगो नौकरवा आएगा, क्या बात है, तो देखेगा साधु है भिकमंगा टाइप का, भगा दे भाग यहाँ से भाग भागो होना मालिक, उसका मालिक को फुर्सत नहीं ऐसा ऐसा आदमी से भेंट करने के लिए। लेकिन एक गरीब आदमी या साधु जाएगा तो गरीब आदमी उसको उस तरह से नहीं भगाता है, उसको बोलेगा दो पैसा है नहीं कुछ तो पानी दे के उसका स्वागत करेगा, नहीं बहुत बड़ा कुर्सी है तो एगो आसन दे के बैठाएगा, इज्जत करेगा, उससे बात करेगा तो साधु आदमी क्या करेगा, उसको भगवान के बारे में चर्चा करेगा, भगवान के बारे में चर्चा करेगा तो वो गरीब आदमी का उद्धार हो जाएगा। वो आदमी गरीब आदमी का जो गलत सलत जो नेचर है वो साधु पुरुष के संगत में उसका उसमें बदलाव आएगा। लेकिन धनी आदमी जो रहता है वो तो अलग उस भेंटे नहीं करेगा, तो वो साधु का संगत उसको मिलवे नहीं किया, अच्छा अच्छा बात भगवान के बारे में सुनवे नहीं करेगा, तो उसका जीवन बेकार जा रहा है। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित ना हो। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाहते थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को बस में न रख सकने के कारण विषय जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्होंने इस गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा रहे है। इसमें यही देखे भगवान नारद जी देखे जो ये आदमी अच्छा है लेकिन अभी गलत रास्ता पर चला गया है, तो इसको हमको रास्ता पर लाना चाहिए, इसको हमको ऐसा करना चाहिए ये दोनों जो आदमी है सो अच्छा रास्ता पर आ जाए। किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष और नल कुबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे, तो भी वे ऐसे पशुवत तथा लापरवाह हो गए थे, मदोन्मत्त होकर वे यह न समझ पाए कि वे नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना
मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशु की तरह बेहतर नहीं रह जाते, पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु इनमें इनकी इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सकें कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थिति में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है जिसका नल कुबेर मणिग्रीव के साथ हो। भाई नारद मुनि कहते हैं जो कुबेर जी तो बहुत अच्छे आदमी थे, इनका बच्चा जो है बदमाश निकल गया तो हमको इसको सजा देना चाहिए, ये बदमाशी में क्या क्या नंगे रह गया। तो लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग का शरीर जो है उसका निचला का भाग को हमेशा ढकना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, पुरुष को भी ढकना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सभ्य नहीं कहलाइएगा, तो आप ऐसा कर दिए तो आपको हम श्राप कैसा दें? तो हम आपको श्राप ऐसा देते हैं जो आपको हम वृक्ष बना देते हैं। वृक्ष हमेशा नंगा रहता है, लेकिन वृक्ष क्या करता है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है। वृक्ष से क्या है, कितनों कोई भी वृक्ष रहे तो उससे आपको या तो फल मिलेगा या फूल मिलेगा, या वृक्ष से कुछ नहीं मिलेगा तो छाह मिलेगा। और वृक्ष से क्या होता है, जो आप उसको काट के ईंधन बना सकते हैं या ठंडा ठंडा हवा देगा। वृक्ष किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, तो वही सोचे कि जिसको ऐसा श्राप देते हैं जो जैसे उसका श्राप दे सकते थे, तुम शेर बन जाओ तो शेर बन जाता था किसी को खाता, या सांप बन जाओ तो किसी को काटता। तो बोले कि जो अच्छा आदमी का बेटा है इसको श्राप देते हैं ऐसा जो अच्छा रहेगा फिर पाप नहीं करेगा, इसीलिए उसको वृक्ष बना दिए जो वो पाप नहीं करे, फिर नहीं तो श्राप देगा फिर पाप करेगा फिर श्रापित हो जाएगा। तो लेकिन उसको ऐसा किए जो कोई भी आदमी जब श्रापित हो जाता है तो भूल जाता है, जैसे हमको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है। तो उसको भी अगर सामान्य आदमी रहता ना तो वृक्ष बन जाता तो उसको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता, लेकिन नारद जी उसको वृक्ष बना दिए, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दिए जो उसको याद था जो हम क्या किए थे जो वृक्ष बन गए। तो हम उसको हमेशा याद रहेगा जो हम क्या किए तो वृक्ष बन गए, तब वो खराब काम नहीं करेगा और भगवान भगवान जपेगा। तो वही उसको ऐसा आशीर्वाद दिए। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों और देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की आहुति की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे, इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए नारद मुनि कहे जो इसको हम वृक्ष बना देते हैं और ये तपस्या 100 साल का इसको श्राप दिए, 100 साल वृक्ष रहेगा, इससे ही भगवान का नाम ले लेकर तपस्या करेगा और एक दिन भगवान इनको दर्शन देंगे और इसका उद्धार हो जाएगा। इसके बाद ऋषि नारद ने नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणित हो गए जिनका नाम यमला अर्जुन था पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की आहुति की कृपा हुई थी जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके, इसलिए उसको दो वृक्ष बना जिसका नाम था यमला अर्जुन, और वो वृक्ष बन गया और 100 साल का भगवान का उनको दर्शन हुआ। यमला अर्जुन उनका वैसे नाम था नलकुबर और मणिग्रीव, लेकिन जब वृक्ष बन गया ना तो उनका नाम हो गया यमला अर्जुन। यमला अर्जुन यमला अर्जुन यद्यपि बालक कृष्ण काष्ट की उखल में बंधे थे किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ गए।
बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमला अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्ष के बीच में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, तो ही दोनों वृक्ष तन तथा शाखाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं अति पर, उनको तो बांध दी माता उखल से। तो अब भगवान सोच रहे हैं कि जो भगवान जो अवतार लेते हैं तो बहुत सा काम न समेटते हैं। कहने के लिए एक था जो भगवान श्री कृष्ण आए कंस को मारने के लिए, लेकिन ऐसा था थोड़े था, कंस को मारने के बहाने वो आए, लेकिन बहुत और भी बहुत काम था करना, जिसको वो किए। बहुत भक्त का उद्धार किए, बहुत भक्त किसी को श्राप दे दिया, किसी को आशीर्वाद दिया, तो वो चूँकि भक्त का इज्जत भी रखना था तो वो भी काम करना था। सब काम लेके भगवान एक बार आते हैं, क्योंकि भगवान तुरंत तुरंत तो आते नहीं हैं, जो हर काम के लिए आएंगे बहुत बहुत दिन पर, तो बहुत सा काम लेके आते हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि नारद मेरा बहुत बड़ा भक्त है और ये आदमी इसको श्राप दिया है और इसका बोल दिया कि इसका उद्धार होगा कृष्ण के दर्शन से, तो हमारा दर्शन ही करेगा तब ना इसका उद्धार होगा। तो नारद के वचन को का इज्जत रखने के लिए भगवान ये काम अब शुरू किए। वो क्या किए, उसको अति करने लगे, ठेहुनिया दे के गुरखने लगे और वो खिंचाने लगा वो उखल। अब आप कहेगा बच्चा कैसे उखल खींच दिया, तो बच्चा वो भगवान ना है भाई, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तब वो क्या किया कि ऐसे करते करते गए आ वो दोनों वृक्ष के बीच से आगे निकल गए, वो अटक गया। वो दोबारा ऐसे ऐसे किए, बस वो गिर गया धम से गिर गया। तो उससे दो आदमी निकला महापुरुष, यही दोनों निकला और उसके शरीर से प्रकाश आ रहा था क्योंकि देवता का बेटा था। और दूसरा बात, 100 साल से तपस्या कर रहा था, तो तपस्या कीजिएगा ना तो शरीर में प्रकाश आ जाता है। देखिए ना ये प्रभु जी को, इनका चेहरा देखिए, कभी बूढ़े लगते हैं, 10 साल पहले भी देख रहे थे वैसा ही हैं, अभी भी वैसा ही हैं। इनका आँख देखिए चमकते रहता है, इनका आँख देखिएगा कभी मैंने हम लोग का आँख की तरह ऐसा नहीं रहता, हरदम चमक रहता है इनके आँख में, हमेशा चमक रहता है और शरीर में हरदम फुर्ती रहता है। दोनों बेसी दूध खाते हैं थोड़े, खूब फल और दूध सब थोड़े खाते हैं, दो गो से तीन गो रोटी खाते हैं, इतना भात खाते हैं और उतना जो करंट इसमें ऐसे से करते हैं, हम लोग से होगा नहीं होगा, लेकिन इनके में क्या है, तपस्या ही करते हैं। तपस्या जो करते हैं तो अंदर से इनमें भगवान शक्ति दिए हुए हैं, स्फूर्ति दिए हुए हैं, अंदर से चमक है, अंदर से इनके शरीर में एक अलग तरह का आभा है। हे कृष्ण, आप यदि भगवान तथा योगेश्वर हैं, विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत अपनी इस शक्तियों का विस्तार है, आपकी इन शक्तियों का विस्तार है, जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट होती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्यकाल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों सत्य रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रही है। आप नाना रूपधारी प्राणियों के परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भलीभांति इसमें कह रहे हैं। वो दोनों जो निकला उससे वो कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को देख के आप परमात्मा हैं, आप ही से ये जगत प्रकट होता है, आप ही से ये जगत फिर अप्रकट हो जाता है। भगवान जब सांस छोड़ते हैं क्षीरोदायक विष्णु बन के, तो पूरा संसार प्रकट हो जाता है, पृथ्वी बन जाता है, सूर्य बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। और फिर जब एक बार सांस खींचते हैं तो सब गायब हो जाता है, प्रलय हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
वही कह रहे हैं कि आप में तो इतना शक्ति है, आप विष्णु के साक्षात अवतार हैं और मनुष्य में सतो रजो और तमो गुण है, उसके मालिक भी आप ही हैं। मनुष्य का इंद्री सब जो है उसका भी मालिक आप ही हैं, आप सब चीज़ के मालिक हैं। उनके शरीर तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है, अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निदेशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले विद्यमान, उत्पत्ति से पहले विद्यमान थे। अतः आप पर ब्रह्म कहलाते हैं, जो आपकी अंतरंगा शक्तियों के कारण महामंडित है। इसमें कह रहा है जो जो भी जीवात्मा कुछ करता है उसका मालिक भगवान है। हम आप जो अभी बैठे हुए हैं कुछ भी कर रहे हैं भगवान का निर्देश है, इसलिए कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आज मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, नहीं आ पाएंगे, कुछ हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान चाह रहे हैं इसीलिए आप हैं, समझिए कि भगवान की कृपा है। तो इसमें यही कह रहा है, जो आप अभी जो भगवान को बोल रहे हैं, जो आप जो अभी ये पृथ्वी पर हैं, सो ऐसा लगता है जो महामाया के वशीभूत आप हैं। माने महामाया का वशीभूत का कहने का मतलब है जो आप भी प्रेम में पड़े हुए हैं, आप माँ का ये सब बच्चा सबका प्रेम में हैं, खाना खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप साधारण आदमी हैं। लग रहा है कोई दूसरा आदमी देखेगा तो आपको बुझेगा कि अरे ये बच्चा जैसे क्या कहते हैं, कोई दूसरा बच्चा जैसे खाता है उसे की भी खा रहा है। लेकिन आप इस भौतिकता में रह के भी आप भगवान हैं, क्योंकि दूसरा बच्चा तो ओखली को खींच नहीं सकता है, ठीक है, खाएगा भगवान की तरह, लेकिन वो तो खींच नहीं सकता है, वृक्ष को गिरा नहीं सकता है। तो वही कह रहा है ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव, जो आप भगवान हैं लेकिन साधारण आदमी के तरह अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं। साधारण आदमी के तरह क्रियाकलाप कर रहे हैं तो साधारण आदमी आपको समझ नहीं पाएगा। आपको जो आदमी बुद्धिमान है और भगवान को समझता है वही आपके आपको समझ पाएगा, साधारण आदमी आपके इस लीला को नहीं समझ पाएगा। हे भगवान वसुदेव, आप हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं, अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। आप परम भगवान जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आप भगवान हैं, साधारण आदमी की तरह लगते हैं लेकिन आप भगवान हैं, और आप में असीमित ऐश्वर्य है, बल है, संपत्ति है, सुंदरता है, करुणा है, असीमित है। वैसे इस संसार में जो आदमी आता है वो शरीर और शरीरी का अंतर होता है। जैसे हम आत्मा और शरीर हैं, दो चीज़ है हमें आत्मा है और ये शरीर है। आत्मा रह जाता है और शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भगवान आपके लिए ऐसा नहीं है। यहाँ आप एक समान आदमी हैं लेकिन आपका शरीर आत्मा, शरीर और आत्मा एक है। आप जो आए हैं इस पृथ्वी पर साधारण बच्चा की तरह नहीं आए हैं, आप प्रगट हुए हैं। जैसे और बच्चा जन्म लेता है माँ से, तो आप माँ से जन्म ले लिए हैं। भगवान तो सीधे प्रगट हो गए ना, चार गो हाथ था, प्रगट हो गए। तो यशोदा माता बोली कि नहीं आप बच्चा बन जाइए, तो फिर बच्चा बन गए। तो वही कह रहा है जो आप तो साधारण आदमी नहीं है, आप भगवान हैं,
और आप में आत्मा और शरीर में, आप में अंतर नहीं है, आपका शरीर दिव्य है। और आप बच्चा होने के बाद भी ऐसा ऐसा काम करते हैं जिससे लगता है कि आप असाधारण हैं, जैसे वृक्ष को गिरा दिए, पुतना को मार दिए, या कुछ ऐसा ऐसा काम कर देते हैं तो लगता है कि नहीं, साधारण आदमी नहीं है। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, आप हम आपको सादर नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं, इस तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं, और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें, और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे, और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप को समक्ष सदा नत रहे। वही कह रहे हैं कि आप यदुवंश के परम पुरुष हैं, हमारे पिताजी जो आपके भक्त हैं, और नारद मुनि भी आपके भक्त हैं, और नारद मुनि के कारण हमको ऐसा जो श्राप मिला वो हमारे लिए फायदा हो गया, जो आपका हमको दर्शन मिला, और आप हमारा भूल को माफ़ कर दीजिए और हमको आशीर्वाद दीजिए जो हम अपना जीवन में अब आपका सेवा करते रहें, अपना शरीर से और मन से हर तरह से भर जिंदगी आपका नाम लेते रहें, आपका सेवा करते रहें। जब नलकूबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखल से बंधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उन्नत गर्व की गर्हती स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की, उन्होंने तुम्हें नर्क में जाने से बचाया। तब भगवान कृष्ण बोले कि हाँ, हमको पता है इस बात का, जो तुम देवता के पुत्र हो लेकिन गड़बड़ काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए नारद तुमको ऐसा दंड दिए और उसके कारण तुम्हारा अब उद्धार हो रहा है, ये हमको इस बात का पता है। और नारद जी जो तुम्हारे साथ किए वो बहुत अच्छा काम किए, नहीं तो तुम नर्क में चला जाता। अब तो नर्क में नहीं जाएगा, ठीक है पेड़ बना, लेकिन नर्क नहीं भोगेगा, ये स्वर्ग में जाएगा या उससे ऊपर जाएगा, क्योंकि भगवान का दर्शन हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि नारद जी तुमको नर्क में जाने से बचा लिए। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है, तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें साप दिया अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। वही भगवान कहते हैं कि तुमको सिर्फ श्राप दिए ठीक है, लेकिन नारद जी का दर्शन भी तुमको मिल गया, क्योंकि नारद जी का दर्शन भी सबको नहीं मिलता है। बहुत बड़ा बड़ा जो भगवान का भक्त होता है उसका भी दर्शन दुर्लभ होता है, जल्दी नहीं मिलता है। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है तो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये कह रहे हैं भगवान, जो भगवान का जो भक्त होता है उसका दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। अगर किसी को उसका दर्शन होता है, और क्योंकि साधु पुरुष बहुत दयालु होता है, भगवान का भक्त होता है, और उसकी कृपा होती है तो लोग का उद्धार होता है। जैसे हम लोग समझिए, जो आप लोग, हम लोग से भी बेसी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रभु जी का रोज़ दर्शन पाते हैं, सुबह शाम इनको देखते हैं, इनसे बात करते हैं। नहीं तो हम लोग को तो मौका नहीं था, 6 महीना में 4 दिन के लिए जाते थे, कभी वृंदावन तो कभी तिरुपति तो कभी क्या कहते हैं मायापुर, 4 दिन में भेंट होता था, और भर साल में 8 दिन भेंट हुआ, 6-6 महीना पर ले जाते थे। लेकिन आप लोग तो रात दिन भेंट कर रहे हैं, और भगवान अपना कलयुग में भगवान आपको नहीं दिखेंगे, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं समझिए कि वही भगवान हैं, उनको आप देख रहे हैं तो समझिए भगवान को दर्शन कर रहे हैं। इस जो है हटबड़िया का जो गांव है,
ये बहुत भाग्यशाली गांव है, जो आप लोग समझिए पिछले जन्म में भगवान का आप सेवा किए थे, जो प्रभु जी यहाँ पर आए, वॉइस बनाए, मंदिर बनाए, सुबह शाम कीर्तन होता है, एको गो लड़का गलत काम नहीं करता है, सब अनुशासन में रहता है, और आप लोग भी गांव में रहते हैं अपने परिवार के साथ, कोई असुरक्षा महसूस हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है। रोज़ भगवान का 4 बजे उठ के लड़का सब भगवान का कीर्तन करता है, आप लोग के कान में कीर्तन जाता है, आप लोग भी सुबह शाम आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, प्रभु जी का दर्शन होता है, प्रभु जी जो बोलते हैं सुनते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। पिछले जन्म का समझिए कि आपका भगवान का आप सेवा किए थे, जो भगवान आपको प्रभु जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और प्रभु जी जितना दिन दर्शन आप कर रहे हैं, जब आप लोग मरिएगा तो अगला जन्म इससे बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है कि प्रभु जी के लगे लगे पार निकल जाइए, अगला जन्म भी नहीं हो। अगर प्रभु जी में आपका श्रद्धा अच्छा रहेगा तो प्रभु जी तो गोलोकधाम वृंदावन जाएंगे ही, इनका तो रिजर्व टिकट हो गया, लेकिन आप लोग भी चले जाइएगा, क्योंकि आप लोग इन पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसी तरह विश्वास को कभी ख़त्म नहीं कीजिएगा, जब तक हो सके प्रभु जी को का दर्शन करते रहिए, उनका जितना जो भी हो सेवा करते रहिए, या उनके संगत में रहिए, संगत में रहने से बहुत फायदा होता है। देखते नहीं हैं कोरोना हो जाता है तो कैसे कहता है दूसरे से दूर रहो, उसके साथ नहीं जाओ, उसको भी हो जाएगा, उसके हो जाएगा, तो संगत का असर है। संगत से क्या होता है, खराब चीज़ भी पकड़ता है, और संगत से क्या होता है तो अच्छा चीज़ भी पकड़ता है। प्रभु जी में तो कोई बीमारी नहीं है, भगवान के भक्त हैं, तो इनका संगत करेंगे तो हमको भी ना फायदा होगा। तो संगत का असर तो डॉक्टर से भी बोलता है, जो खराब गंदा ढंग से रहता है उसके संगत में मत रहो, तो संगत का असर बहुत होता है, और आप लोग को भगवान की कृपा से प्रभु जी का संगत मिला हुआ है, इस समझिए भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। नहीं तो हम लोग सोला माला करते, कभी जिंदगी में नहीं करते, इन्हीं के चक्कर में न कर रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं, भगवान का कितना सेवा कर रहे हैं। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता है। अतः हे नलकुबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक जा सकते हो, और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जन्म में मुक्त हो सकोगे। देखिए, हम आपको बोले ना जो संगत से कितना बड़ा असर होता है, अब भगवान भी इसको कह रहे हैं, जो तुमको नारद का संगत मिला इसीलिए तुम्हारा उद्धार हो गया, और तुम मेरा दर्शन कर सके हो। अब देखिए, नारद जी का संगत उसको मिला, नारद जी श्राप जो भी कहे, फिर नारद जी बोले कि जो खूब जपो हरे कृष्णा तब तुमको कृष्ण भगवान दर्शन देंगे, तब कृष्ण तो 100 बरस तक जपा तो कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान कह रहे हैं तुमको इस जन्म तुम्हारा अंतिम है, अब इस जन्म से तुमको मुक्त कर रहे हैं, तुम चले जाओगे, अब फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लोगे। तो किसका ये असर है? संगत का। नारद जी का संगत नहीं मिलता तो वो कभी नहीं ऐसा हो सकता। उसी तरह आपको भी संगत मिला हुआ है, इनका संग ही नारद मुनि है, इनका संगत मिला हुआ है, तो हम लोग का भी उद्धार हो जाएगा। हरी बोल। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएँ की, और पुनः पूर्ण प्रणाम करके वे वहाँ से चले गए, और भगवान उसी तरह उखल से बंधे वहीं रहे। इस तरह सुन के जब भगवान बोले कि अब तुम लोग जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि नारद जी के संगत से के कारण तुमको हम इस जिंदगी से मुक्त कर रहे हैं, तुम स्वर्ग लोग जाओगे या फिर इस जन्म में नहीं, पृथ्वी पर नहीं जन्मोगे, तो नारद जी का संगत कितना काम दिया, और वो आदमी प्रणाम करके 10 बार परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके चला गया। तो यही समझिए ये नारद जी हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हमको दिन रात इनको अगर हम दर्शन करते हैं तो हमारा उद्धार होगा।
हरे कृष्णा। अभी बोलने में जो हमसे गलती होगा इसके लिए क्षमा करें, कोई तरह का त्रुटि होगा तो इसके लिए क्षमा या प्रार्थना।